उनका स्वभाव शुरू से बहुत चंचल रहा और पढ़े लिखे में भी अच्छे है और पार्टी के प्रति जो उसको जवाबदारी मिली उसमें वो मेहनत ज़्यादा करेगा। राजनीति की तरफ रुझान नहीं था, मैंने पार्षद चुनाव लड़वाया उनको तो 150 वोट से हार गए थे। फिर मैंने कहा बेटा राजनीति करना है, कुछ भी नहीं उनको राजनीति का। जब पार्षद चुनाव लड़े हार गए उसके बाद में वो मोटरसाइकिल से दिग्विजय सिंह जी के पास आ जाते थे और उनसे जो भी राजनीति की चर्चा करते उनका आशीर्वाद बहुत रहा उनको, उन्होंने नेता बनाया उसको समझ। ये है मेरे साथ रमेश जी पटवारी जो कि जीतू पटवारी जी के पिताजी हैं। आइए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बेटे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये जो भी जिम्मेदारी दी है उसकी वो यात्रा की वजह से उसको मिली है, जिसमें उसने बहुत मेहनत करी थी जन आशीर्वाद यात्रा में, उसका फल उसको पार्टी ने दिया है। जैसा कि आपने जीतू पटवारी जी का बचपन देखा है तो थोड़ा सा आप उनके स्वभाव के बारे में बताइए हमें, फिर हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। उनका स्वभाव शुरू से बहुत चंचल रहा और पढ़े लिखे में भी अच्छे उससे पढ़ते थे और बिल्कुल चंचल जैसा रहा शुरू से, अपने काम पे बहुत मन से काम करता था, अपने काम को जो जवाबदारी देती बराबर करता था, हमारी भी मदद करता था और पढ़ाई भी करता था। क्या कहेंगे अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है, क्या बदलाव दिखेगा? बराबर कांग्रेस की सीट ज़्यादा आएगी, मेहनत करेंगे और पार्टी के प्रति जो उसको जवाबदारी मिली उसमें वो मेहनत ज़्यादा करेगा और हमेशा करता है, जो भी जवाबदारी मिलती है उसको वो निभाता है पूरे उससे मन से। अच्छा जैसा कि आपने उनके बचपने के बारे में बताया कि उनके बहुत मिलनसार स्वभाव था, तो राजनीति में कैसे आए वो, क्या उनका शुरू से रुझान था राजनीति की तरफ? राजनीति की तरफ रुझान नहीं था, मैंने पार्षद चुनाव लड़वाया उनको, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उनसे टिकट दिलवाया, उसके बाद में पार्टी का टिकट नहीं मिला, निर्दलीय वो साइकिल के निशान से लड़े तो 150 वोट से हार गए थे। हाँ पार्षद का चुनाव करीब 2002 की बात है। फिर मैंने कहा बेटा राजनीति करना है, अब वो LLB कर रहे थे, उनने कहा था मैं 25 साल का हो गया, 25 वर्ष का कब काम कब करूँगा, मैंने कहा एक महीने में परीक्षा है, पास आ जाओगे तो काम मिल जाएगा, वकील बन जाओगे, कोर्टर जाओगे, और गए भी थे साल दो साल अशोक शुक्ला जी के संग प्रैक्टिस करी उन्होंने। आशीर्वाद स्वरूप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस जिंदगी भर ये कहना चाहूँगा कि उसके सब मनोकामना पूरी हो और हमारे आशीर्वाद बना रहे उस पर, सब बुजुर्गों के और अच्छा काम करें। आखिरी सवाल मेरा, कोई एक ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा वाक्या याद आता है जीतू पटवारी जी का बचपन का जिसे आप हम लोगों से साझा करना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं, उनको राजनीति का जब पार्षद चुनाव लड़े हार गए उसके बाद में वो मोटरसाइकिल से दिग्विजय सिंह जी के पास आ जाते थे और उनसे जो भी राजनीति की चर्चा करते उनका आशीर्वाद बहुत रहा उन पर, दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद बहुत रहा उन पर, ये कहना चाहते हैं? हाँ यही कहना चाहते, उन्होंने नेता बनाया उसको समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे अपनी राय साझा की। तो ये थे जीतू पटवारी जी के पिताजी रमेश पटवारी जी, जिन्होंने हमें संक्षिप्त में ही सही लेकिन जीतू पटवारी जी का बचपन याद दिला दिया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।